स्वागत है आपका BKVY के ऑनलाइन क्लासेस में। तो आइए आज हम लोग एक नए अध्याय से फिर जुड़ते हैं और सीखते हैं कि टैली में हम लोग स्टॉक कैटेगरी को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले टैली में कोई भी काम करने के लिए हम लोगों को टैली को ओपन करना होगा और कंपनी को ओपन कर लेना होगा। जैसे कि हम इससे पहले भी बताए थे कंपनी को ओपन करना, तो कंपनी आपकी ओपन रहेगी यहाँ पे। और उसके बाद हम लोग सीधे जो है इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे और इन्वेंट्री इन्फो में जाने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक कैटेगरी होगा। और कैटेगरी जो होता है यहाँ पे बैक हम थोड़ा सा जाते हैं, यहाँ से जैसे स्टॉक कैटेगरी को ओपन करेंगे तो स्टॉक कैटेगरी में हम लोगों का यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी का एक बॉक्स खुला हुआ है। अब स्टॉक कैटेगरी मतलब जो डिपेंड करता है वो स्टॉक आइटम के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि स्टॉक आइटम जो होता है उसी के आधार पे स्टॉक कैटेगरी को डिफाइन किया गया होता है। और आइटम का जो कर्म होता है, कर्म के आधार पे ही स्टॉक कैटेगरी को जो है बनाया गया होता है ना। जैसे कि हर जो है कैटेगरी के लिए, जैसे हम जाति को भी देखें तो उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज जो है बांटा गया है ना। उसी तरीके से जाति के आधार पे भी इसमें जो है कैटेगराइज किया गया है हर एक आइटम को। तो आइटम को जैसे कि हमने आपको पेन एक स्टॉक ग्रुप बतलाया था, तो पेन के अंदर जो है बहुत से जो है स्टॉक आइटम आएंगे, लेकिन पेन के अगर स्टॉक ग्रुप के आधार पे भी देखें तो स्टॉक ग्रुप के आधार पे भी हम लोग स्टॉक कैटेगरी को बना सकते हैं, है ना। तो जैसे पेन हम लोग बताए थे, तो पेन का कर्म कर्म जो होता है वो होता है लिखना, और लिखने के लिए जाएंगे तो उससे हम लोग रेड ग्रीन ब्लू ब्लैक ये सब लिखने के लिए जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे जाकर के क्रिएट पे जाएंगे, सिंगल में एक बार में एक बनाएंगे, मल्टीपल में एक बार में एक से ज़्यादा बनाएंगे। तो यहाँ पे जाते हैं और जाने के बाद हम लोग यहाँ पे सीधे से क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी पूछ रहा है। तो जैसे हम दे देते हैं रेड RED, और यहाँ पे अंडर जो आ रहा है इसमें प्राइमरी रखेंगे, और फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे एक्सेप्ट करा देंगे। फिर यहाँ पे जैसे ग्रीन GREEN, ग्रीन, और इसके बाद से हम लोग यहाँ पे जा करके एक्सेप्ट करा देंगे। जैसे कि फिर हम ब्लू BLUE, और इसको हम लोग एक्सेप्ट करा देंगे। स्टॉक ग्रुप में हमने एक और ग्रुप बनाया था इससे पहले वाले क्लास में, जिसका नाम था सॉप। तो सॉप का भी कर्म होता है अलग अलग, नहाना धोना, ये दो कर्म के लिए आते हैं। तो सॉप का भी हम लोग कैटेगरी को जो है यहाँ पे बना सकते हैं, जैसे कि हो गया वॉशिंग WASHING, वॉशिंग। एक हो गया जैसे बाथिंग BATHING, बाथिंग। यानी एक जो है नहाने वाला और एक जो है धोने वाला, ये दो कैटेगरी को हम लोग यहाँ पे क्लियर कर देंगे। और कैटेगरी को बनाने के बाद फिर हम यहाँ पे बैक चले जाएंगे। इसी तरीके से कैटेगरी को बनाएंगे। कैटेगरी में अगर बदलाव करना हो तो इसके लिए अल्टर में जाकर के हम लोग यहाँ पे बदलाव कर सकते हैं, है ना। जो चेंजिंग करना होगा चेंज करके फिर एक्सेप्ट करा देंगे। अगर डिलीट करना है तो इसी में अल्टर में जाकर अल्ट डी को दबा करके यस यस कर देंगे तो यहाँ पे वो भी डिलीट हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे तो अगर डिस्प्ले करना है तो डिस्प्ले करने के लिए हम लोग यहाँ पे जाकर के डिस्प्ले कर सकते हैं। ये दिखाएगा, यहाँ से डिलीट नहीं होगा आपका, मॉडिफाई भी नहीं होगा। और यहाँ से फिर हम बैक जाकर के अगर देखें तो हम लोगों को मिलता है यहाँ पे जैसे कि क्रिएट मल्टीपल में जाकर के, तो यहाँ पे ऑल ले लेंगे, और जो कैटेगरी का नाम देना हो कैटेगरी का नाम देंगे, अंडर में प्राइमरी को रख लेंगे, है ना। तो ऐसे हम लोग मल्टीपल भी बना सकते हैं और हम लोग सिंगल भी में भी बना सकते हैं। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, हम स्टॉक कैटेगरी के बाद जो भी टॉपिक आएगा उसके साथ। तब तक के लिए गुड बाय।